नमस्कार जय श्री कृष्णा नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते मनीषा जी नमस्कार नमस्कार अजय मित्तल शर्मा जी नमस्कार कैसे हैं सर सर बढ़िया आप बस ठीक nice, nice. है है आशीर्वाद वेरी वेरी नाइस नाइस शर्मा जी आपको देख के तो लगता है बॉडी हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या लग रहा है सर देख के ऐसा देख के लग रहा है जैसे बहुत बुक्स बुक्स करने के शौकीन है वेरी गुड बहुत अच्छी बात है किताबें बहुत ही सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा शिवा सब ठीक है एवरीथिंग नमस्कार. हाँ, yes. नमस्कार नमस्कार तपन ठीक है तपन जाग गया ना अच्छा <laughs> <laughs> रितु भी आ गई है ठीक है तो आज हम शुरू करते हैं uh, थोड़ा सा आप लोगों ने पीछे वाला जो मैंने पढ़ाया कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा आप लोगों ने सबकी आवाज नहीं आई तो एक ही आवाज आई है पढ़ते हैं सर पढ़ा है।, पढ़ा है पढ़ा है तो थोड़ा आज कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़े से फिर हम आगे चलेंगे तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं उनके कुछ आप लोग आंसर दीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं First question, the Yes, I can see it. Yes, you can see it. So iska yeah. the answer kya hai? What creature represents the Aquarius star sign? I think it's a human, is he? He's the one with um, a vessel on his um head. Uh, with, yeah. Um, yeah, a water vessel which is broken. And water ah. is pouring. Fantastic. Means it is a human being. Human, yes. Ah, uh, which symbol represents Libra in zodiac? Lion. No. Balance. 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 Oh, sorry, balance. Ah, uh, Leo is lion, huh? is lion. और और दो चार पहुंच लेते हैं इन एस्ट्रोलॉजी विच प्लैनेट रूल्स ब्यूटी एंड रोमैंस वेरी नाइस अच्छा ये जोडियक किसे बोलते हैं वाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जोडियक रितु ऋतु आप बताओ इन तीन में से कौन सा आंसर होगा जो बोलते हैं ना पूरा ब्रह्मांड चक्र बोलते हैं जोडियक बोलते हैं उसको वो क्या है सर्किल ऑफ एनिमल्स है सर्किल ऑफ स्टार्स है सर्किल ऑफ लाइफ है. सर्किल स्टार्स वेरी गुड सर्किल ऑफ स्टार्स. स्टार्स को ही हम लोग जोडियक बोलते हैं जी सर अच्छा ठीक है अच्छा जो हॉरोस्कोप की प्रोडिक्शन है वो किन चीजों पे बेस्ड है कलर के प्लैनेट के कलर के ऊपर प्लैनेट की पोजीशन और स्टार के ऊपर या शेप ऑफ प्लैनेट के ऊपर सर एक हाँ देख लो सेवन क्वेश्चन पढ़कर आंसर दो अच्छी, जी सर सर प्लैनेट एंड स्टार पोजीशन ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स है जी, जी सर ओके थैंक यू गुड तपन एक राशि कितने डिग्री की होती है तपन? है नहीं लगता है टेस्ट के तो उसने बंद ही कर दिया है वीडियो। अजय मित्तल थर्टी वॉज थर्टी थर्टी डिग्री वेरी नाइस हेलो हाँ तपन आगे सॉरी आ, सर मैं जरा सर गया था अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं विच ऑफ नॉट नाइन्थ क्वेश्चन देखो नाइन्थ क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है और मैं दो तीन पूछ लेता हूँ आप लोगों ने मुझे लगा सब पढ़ी लग रखा है कोई दिक्कत नहीं है लियो हाँ लियो इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी का जोड़िया कैप्रिकॉन इज रिप्रेजेंटेड जोड़िया कैप्रिकॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच एनिमल क्रोकोडाइल 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 हम्म द पॉलिंग ट्राइब इज रूल्ड बाय द अगली जल वायु अवकाश पढ़ाया था ना मैंने आपको तो अग्नि पृथ्वी जल वायु सर पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर कैप्रिकॉन वगैरह सर वाटर एलिमेंट पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर बी बी हाँ। हाँ। चार आठ बारह राशि जो होती है वो आपकी हाँ वो आपकी जल राशि होती है बिल्कुल ठीक है पंद्रह का आंसर सी है हाँ पंद्रह आंसर सी है हाँ अतुल जी आप जरा बताइए सोले का आंसर क्या है अतुल तो ने ने, ने इज तो नेम ऑफ टाइम ऑफ बर्थ अतुल जी अतुल जी okay. आइडिया दीजिए कुछ इसका ऐसा कौन सी मतलब क्या चीज है जो हॉरोस्कोप चार्ट हम लोग बनाते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे के जन्म के समय जो राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही होती है वो बच्चे का क्या होती है राशि होती है लगन होती है पहला भाव होती है क्या होती है लगन होती है मैंने आपको लगन के बारे में बताया था ना कि लगन जो होता है जिस समय बच्चा पैदा होता है तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि दिखाई पड़ती है उदय हो रही होती है वो बच्चे का लगन कहलाती है जो हमेशा फर्स्ट भाव के अंदर लिखी जाती है तो लगन जो है वो राशि इसका आंसर आता है जैमिनी का रूनिंग प्लेनेट क्या है जैमिनी किसके मार्क करी तो मैं क्या आप लोगों को सब मालूम ही है कोई ऐसा इसमें देखने वाली बात नहीं है ये तो अभी पढ़ा नहीं है मैंने आगे पढ़ाऊंगा तो मैं इसका आगे टेस्ट लूंगा इसके अंदर चलिए शुरू करते हैं आज यहाँ तो यहाँ तक तो आप लोगों को सब क्लियर ही है सर टेस्ट तो, पेपर तो दिखा दो आगे का एक बार आगे का तो ये वो है क्या नाम है पढ़ लीजिए आप लोग तैयार रहेंगे आगे के लिए <laughs> भावों के बारे में है भाव आज भाव पढ़ाऊंगा ना मैं आपको तो उससे भावों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है ठीक है सर पढ़ा दीजिए पहले आप फिर कर लेंगे पहले पढ़ा दीजिए फिर मैं इसको करते हैं ठीक है थीके? थीके सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सर हाँ एक दो संडे पढ़ लीजिए उसके बाद इस टेस्ट को हम लोग कर लेंगे आप लोग देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं आई एम सेटिस्फाइड फुल्ली कोई वैसी बात नहीं है अच्छा भाव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग भाव के बारे में ही पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि भाव पहला भाव कौन सा है दूसरा भाव कौन सा है तीसरा भाव कौन सा है तो ये सब चीज तो हमने देख ली थी इसमें तो किसी को कोई शक आया नहीं सब लोगों को मालूम ही है अब ये आता है कि स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला भाव तनु भाव है तन का भाव है दूसरा भाव धन भाव है तीसरा भाव पराक्रम भाव है चौथा भाव, भाव सुख भाव है पांचवा भाव संतान भाव है छठा भाव रोग भाव है रिपु भाव है या ऋण भाव है ऐसा करके हम लोगों ने पीछे पढ़ा अब इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाते हैं कि हर भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं तो सबसे पहले आ, हम लोग आते हैं भाव एक पर कि जो भाव नंबर वन हमारा होता है जिसको लगन बोलते हैं उससे हम क्या क्या चीजें देखते हैं कोई बताएगा भाव एक से हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं सर आपकी बॉडी पर्सनैलिटी कलर करेक्टर तो फिफ्थ हाउस से आएगा आ, आ, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग शिवा हाँ दिस इज फर्स्ट हाउस हाँ बॉडी दैट्स राइट दैट्स राइट तो फर्स्ट हाउस हमारा जो है वो क्या क्या चीजें बताता है फर्स्ट हाउस हमारा बताता है आदमी का जो ब्रेन है बुद्धि है कैसी ये बताता है उसका दिमाग कैसा है फर्स्ट हाउस हमारा ये बताता है कि आदमी की बुद्धि कैसी है और फर्स्ट हाउस की मजबूती ही डिपेंड करती है जो बताती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है उसके बाद उसमें पांचवा हाउस भी इन्वॉल्व होता है जो विवेक बताता है लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो ब्रेन हमारा है या बुद्धि हमारी है वो फर्स्ट हाउस डिनोट करता है फर्स्ट हाउस हमारा स्वभाव डिनोट करता है व्हाट इज अवर नेचर बेसिकली हमारी नेचर क्या है वो हमारा फर्स्ट हाउस बताता है नेचर कैसी है हमारी तो वो भी फर्स्ट हाउस बताता है ये तो आप लोगों को मालूम ही है इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है फर्स्ट हाउस हमारा फिजिकल बॉडी बताता है जैसे तपन ने कहा कि फिजिकल बॉडी हमारी जो होती है कैसी है स्ट्रांग होगी कमजोर होगी ये सब चीजें फर्स्ट भाव हमारा बताता है फर्स्ट भाव हमारे क्वालिटीज बताता है और हमारे क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर लोअर स्ट्रेंथ हमारी हायर स्ट्रेंथ क्या है हमारी या हमारी या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उसके बारे में भी फर्स्ट हाउस ही बताता है गुण और अवगुण ये जब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट हाउस में जो प्रशन करना शुरू करेंगे कुंडली देखेंगे तब कैसे हम लोग गुण देखते हैं इसके और कैसे अवगुण देखते हैं ये आपको बताया जाएगा तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट हाउस से गुण और अवगुण भी मालूम चलते हैं इंसान के फर्स्ट हाउस से शारीरिक गठन वो फिजिकल बॉडी जो थी वहां दे थी कैसा दूसरी देह है और शारीरिक गठन कैसा है उसका बहुत मतलब पहलवान टाइप का व्यक्ति है या बड़ा ही कमजोर टाइप का व्यक्ति है उस तरीके से ये चीज हमारी फर्स्ट हाउस ही बताती है फर्स्ट हाउस हमारा रूप भी बताता है आ, आप लोग ये फोटो को रिकॉग्नाइज़ कर है रहे हैं किसकी फोटो है सर साधना साधना ठीक है अजय जी बिल्कुल ये प, जो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट हाउस है उससे रूप का मालूम भी चलता है लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि रूप के बारे में व्याख्या करना बड़ा डिफिकल्ट है पहले एक सीमित लोगों तक ये रूप की व्याख्या होती थी तो बताया जाता था कि भाई गोरी रंग होगा लंबी नाक होगी या ऐसे होगा लेकिन अब जो है डिफरेंट डिफरेंट देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज में या इवन इवन आपके एक ही कंट्री में जैसे हमारे यहाँ भी आप जाएं नॉर्थ ईस्ट में आप जाएं या मणिपुर जाएं आप सिक्किम जाएं आसाम जाएं अरुणाचल जाएं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है सारा बिहार में जाएं तो डिफरेंट हो गया तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चलता है सारा साउथ में जाए तो थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है वहां पर आप पहले भाव को देख के रंग बताना रूप बताना आपके लिए कठिन हो जाएगा क्योंकि साउथ का है तो थोड़ा रंग उनका आ, वैसे होता है वैसे तो सब अच्छा करे भगवान करे सभी का रंग बहुत साफ हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है तो वो सब चीजें देखने वाली होती है अफ्रीका के लोग हैं उनका रंग तो थोड़ा काला होगा तो वो भी चीज देखने वाली होती है तो इसलिए इसका इतना ज्यादा महत्व हम नहीं देते आज की डेट में लेकिन आचार यश किसी ने कहा था फेम के बारे में पांचवे से भी देखते हैं वो मंत्री पद के बारे में देखते हैं पांचवे से लेकिन फेम भी यहां से देखी जाती है कि कैसा उसका फेम रहेगी उसका यश कैसा रहेगा उसकी हेल्थ कैसी रहेगी ये भी पांचवे भाव पहले भाव से ही हम लोग देखते हैं अब आता है दूसरा भाव दूसरे भाव से आ, कुछ पता है आप लोगों को ऋतु कुछ पता है क्या देखते हैं फाइनेंशियल सर कंडीशन धन अरुण जी अरुण आए आज अरुण शर्मा आए हाँ, हाँ. अच्छा आप हाँ, दूसरे भाव से क्या आजी? देखते हैं धन भाव देखते हैं सर धन भाव वो तो एक चीज हो गई उसके अलावा कुछ और चीज हाँ? देखते हैं दूसरे भाव से दूसरे भाव से सर इसके बोलना वाणी वाणी जी हम्म तो ये है दूसरे भाव से दूसरे हाँ। भाव से लिखा हुआ है धन धान्यम कुटुम्बाश्चय मृत्युजाल मक मित्र कम धातु रत्नादिकम सर्वम धन स्थानीक्षित यानी वो कहता है कि धन धान्य जो होता है वो दूसरे भाव से दिखा जाता है आदमी का परिवार दूसरे भाव से दिखा जाता है कुटुंब जो होता है उसका उसकी उसकी संपत्ति दूसरे भाव से देखी जाती है उसकी वाणी दूसरे भाव से देखी जाती है उसका दाहिना नेत्र दूसरे भाव से देखा जाता है उसकी बैंक में कितनी राशि जमा है यह भी दूसरे भाव से देखी जाती है जमा धन जो होता है उसकी गायन क्षमता कैसी है सिंगिंग एबिलिटी कैसी है यह भी दूसरे भाव से देखी जाती है उसकी भोजन की पसंद कैसी है ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है अगर दूसरा भाव अच्छा हो तो आदमी भोजन बहुत पसंद करता है दूसरा भाव थोड़ा कमजोर हो तो आदमी भोजन में इंटरेस्ट नहीं लेता करने में वो उसकी थोड़ी वो जाती है तो ये एक है दूसरा भाव कुटुंब भाव होता है मुख भी तो, मुख देखा देखा जा, मुख, हाँ, मुख तो देखा जाता है सर मुख्य मुख भाव देखा जाता है मुख्य चेहरा लिखा हुआ हाँ, है उसमें हाँ. हाँ तो दूसरा भाव कुटुंब भाव भी होता है परिवार आप, आपका जो परिवार है वो वाला भाव होता है आपकी संपत्ति का भाव होता है आपकी वाणी का भाव होता है कैसे आप बोल रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं आपके दाहिने नेत्र का भाव होता है आपके चेहरे का भाव होता है मुख का भाव होता है आपकी बैंक में जमा राशि कितनी है उसका भाव भी दूसरे भाव से ही दिखा, दूसरे भाव से जाता है आपकी गायन क्षमता कैसी है वो भी देखी जाती है आपके भोजन की पसंद कैसी है वो भी दूसरे भाव से ही देखी जाती है तो ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी सब रिकॉर्डिंग करके रखेंगे तो हम लोगों को मतलब आप ये देखेंगे कि ये बारह भाव जब ये आप पढ़ लेंगे पूरे तो शायद कोई ऐसी चीज होगी जो इन बारह भाव से ना दिखाई पड़ती हो सबसे दिखाई पड़ेगी बारह भाव से और उसके बाद फिर रिलेशन हो जाते हैं भावों के वो रिलेशन में आपको बताऊंगा कि भावों के रिलेशन कैसे होते हैं चौथे भाव से चौथा भाव चौथे भाव से तीसरा भाव चौथे भाव से पांचवा भाव वो सब मैं आपको बताऊंगा अब चलते हैं तीसरा भाव तीसरा भाव जो होता है वो कहता है विक्रमम विक्रम भक्त्यत्रादी जो उपदेश है पर्याणकम पित्रोर्वा मरणम वज्ञो दुष्क्या निरीक्षित वो कहते हैं कि विक्रमम विक्रमम मीन्स पराक्रम जो पराक्रम होता है वो भी तीसरे भाव से देखा जाता है आपके छोटे भाई बहन सहोदर जो बोलते हैं वो भी तीसरे भाव से देखते हैं क्यों क्योंकि ये पराक्रम भाव है और आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं वो बेसिकली आपका पराक्रम होते हैं छोटे भाई बहन आपके आपके दुखों में काम आने वाले हैं आपके सब चीजों में काम आने वाले हैं आपसे प्रॉब्लम को शेयर करने वाले हैं तो इसलिए छोटे भाई बहन को भी हम इसी भाव से देखते हैं सहोदर भाव जो बोलते हैं सहोदर मीन्स जो एक ही उदर से पैदा हुए हों उस भाव को उस सहोदर को भी हम लोग तृतीय भाव से देखते हैं सेवक जो आपके अंडर में सेवक हैं या जो भी आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं चाहे घर में कोई नौकर चाकर हैं या आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग हैं काम करने वाले तो वो सारे जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं द पीपल यू आर वर्किंग अंडर यू वो सब थर्ड भाव के अंदर आते हैं आपके जो मित्र होते हैं देखिए आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी थर्ड भाव के अंदर आते हैं लेकिन यहाँ दो चीज हो जाती है एक ऐसे फ्रेंड्स जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं एक ऐसे फ्रेंड्स जो आपसे उम्र में बराबर हैं या उम्र में थोड़े बहुत छोटे हैं अब ऐसा तो नहीं कीजिए आप 21 साल के हैं तो 21 साल का ही बंदा हो 21 साल के हैं कोई 23 साल का है कोई 18 साल का है तो चलो ये मान लेते हैं फ्रेंड हो गया लेकिन 21 साल का है एक आदमी 31 इयर्स का है या 32 इयर्स का है तो वो भी फ्रेंड है हो सकते हैं लेकिन उनको हम इलेवंथ भाव से देखते हैं जो बड़े पड़ोस के जो मित्र होते हैं आपके जो आपसे उम्र में बड़े होते हैं उनको हम अलेवंथ भाव से देखते हैं वो आप मैं आपको बताऊंगा आगे तो थर्ड भाव से देखते हैं आपके मित्र आपका स्वभाव आपका पराक्रम आपके अंडर में काम करने वाले आदमी आपके छोटे भाई बहन आपका कान भी थर्ड भाव से देखा जाता है आपके कंधे थर्ड भाव से देखे जाते हैं आपका शौक आपकी मतलब क्या रुचि है Uh, किसी चीज में रुचि हो चाहे पेंटिंग में हो चाहे शिल्प कला में हो इनमें किसी में रुचि अगर आपकी है तो वो रुचि भी आपकी इसी से देखी जाती है आपकी मूल भाव स्किल, स्किल कैसी है आपकी हाउज नेगोटिंग स्किल वो भी इसी थर्ड भाव से आप देखते हैं संचार कम्युनिकेशन भी आपका थर्ड भाव से देखा जाता है और खेल कूद जो होते हैं वो भी आपके थर्ड भाव से ही देखे जाते हैं खिलाड़ी का किसी भी खिलाड़ी का तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए खेल के लिए पराक्रम भी जरूरी है और खेल के लिए खेल कूद तो है ही है तो वो भी, भी जरूरी, भी जरूरी है, है तो हाँ तो थर्ड भाव इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर थर्ड भाव किसी का मजबूत है और खिलाड़ियों का थर्ड भाव अक्सर मजबूत होता है तो जब भी खिलाड़ी की बात हो खेलकूद की बात हो तो आप थर्ड भाव को जरूर देखें तो थर्ड भाव के लिए ये आपको मैंने बताई दिए कि पराक्रम होता है आप ऐसा पराक्रम मत कीजिएगा जैसा दिखा रखा है इसके अंदर ये डिस्क्लेमर है इसका आपका स्वेज स्वभाव जो मतलब होता है ना जैसे शाहरुख खान स्टाइल होती है बस मस्ती से वो भी थर्ड भाव में आ जाता है आपके जो अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं ये भी सब आपके थर्ड भाव के अंदर में आते हैं आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपके थर्ड भाव के अंदर में आते हैं आपका जो कान होता है वो भी थर्ड भाव में आता है आपके जो कंधे होते हैं वो थर्ड भाव में आ जाते हैं आपके जो शौक है मतलब जो आपकी हॉबी है वो भी थर्ड भाव में आ जाती है आपका जो मोल भाव स्किल है योर नेगोशिएटिंग स्किल दैट कम्स इन थर्ड भाव आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी थर्ड भाव में आ जाती है और जो खेल कूद है आप फुटबॉल है बैडमिंटन है क्रिकेट है वो सारे आपके खेल कूद जो है वो भी आपके थर्ड भाव से ही देखे जाते हैं फिर आता है फोर्थ भाव ये मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं कि मुझे लगता है शायद आप लोगों को आइडिया तो होगा और इससे कहीं कोई समझ लाए तो कोई चीज पूछ लीजिएगा जहां चीज हो हम लोग लेंगे। में बोलते हैं है, है मंधुश्च मात्र सौख्यादिकन्यपी निधिम क्षेत्रम ग्रम चापी चतुर्थात परिचि जी क्या बोलते हैं ये बोलते हैं वाहन है, तो वन्य मतलब वाहन हुआ माता हुई माता का सुख हुआ या घर में जो सुख हुआ वो आपका या निधि क्षेत्र जो आपके पास है आपके पास कृषि भूमि है एग्रीकल्चर लैंड है आपका घर है ये सारे चौथे भाव से देखे जाते हैं जैसा कि संसद के श्लोक में कहा गया है अब आपका आपकी जो माता है वो आपको चौथे भाव से देखने को मिलती है देखिए चौथा भाव आपका सुख भाव है इंसान को मैक्सिमम सुख कहाँ मिलता है अपनी माता की गोद में तो बच्चा जब होता है तो जब माता की गोद में होता है तो उसे मैक्सिमम सुख मिलता है इसलिए इसी भाव से माता को भी देखा जाता है मानसिक शांति ये भाव सुख भाव है माता का भाव है तो माता के पास जाने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है तो मानसिक शांति की बात भी इसी भाव से होती है घर का माहौल व्हीकल वाहन जो होते हैं ये आपका जो वाहन है ये भी आपका चौथे भाव से देखे जाते हैं जितने भी वाहन होते हैं आपके इनको भी चौथे भाव से ही आपको देखना है मकान वगैरह जो होते हैं वो भी आपके चौथे भाव से देखे जाते हैं मकान जो होता है प्राथमिक शिक्षा आपकी चौथे भाव से देखी जाती है यानि कि ऐसी शिक्षा जिसमें आपको बस स्टैंड पे मदद छोड़ने जाती है बस स्टैंड से मदद लेने आती है वो तो चौथा भाव होता है नॉर्मली अकेडमिक क्वालिफिकेशन बोलते हैं आग्ण 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 कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो चौथे भाव से होती है और जो हायर क्वालिफिकेशन होती है वो पांचवे भाव से होती है तो आप लगा सकते हैं कि ट्वेल्थ की क्लास की वो है वो आपकी चौथे भाव से है क्योंकि बच्चे को लंच भी देती है मदर बच्चे को थोड़ा वो भी करती है जब बच्चा जो कॉलेज वॉलेज में आ जाता है यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो उसके बाद तो वो अपने आप में बॉस हो जाता है तो फिर वो लंच वंच का चक्कर खत्म हो जाता है इसका तो मदर का रोल ज्यादातर रहता है ट्वेल्थ क्लास तक तो जो आपकी प्री यूनिवर्सिटी है या आपके ट्वेल्थ क्लास तक है वो एकेडमिक एजुकेशन जो है देखेंगे आप वो फोर्थ पाप से देखेंगे और जो आपकी हायर एजुकेशन है वो आपकी फिफ्थ पाप से देखेंगे वो आगे आएंगे आपकी एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी होती है या लैंड भी आपके पास है कोई भी लैंड आपके पास है चाहे एग्रीकल्चर लैंड है या वैसी लैंड आपके पास है तो वो भी आपके चौथे भाव से ही देखी जाती है आपकी लग्जरी लाइफ भी आपके चौथे भाव से देखी जाती है तो ये चौथे भाव के कुछ वो थे जिनसे चौथे भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं माता है मानसिक शांति है घर का माहौल है वाहन है मकान है दुकान है आपकी प्राथमिक शिक्षा है तो ये अरुण जी समझ में आ रहा है हाँ जी आ रहा है सर <laughs> तो हम जो ट्वेल्थ तक की एजुकेशन है वो हम चौथे भाव से देखें किसी बच्चे की हमने देखना चाहते हैं कि इसकी एजुकेशन कैसी जाएगी तो ट्वेल्थ तक की एजुकेशन के लिए हम चौथा भाव देखेंगे चौथा भाव हमारा मजबूत है चौथा भाव हमारा कमजोर है मजबूत तो कमजोर में मा... हाँ बोलो सर घर में जो मानसिक जो अशांति होती है या जो घर में कलह होती है वो हुँ. भी इसी भाव से देखा जाएगा बिल्कुल इसी भाव से. भाव से बिल्कुल मानसिक शांति मानसिक कलह या जो भी कुछ चीज है वो सब इसी भाव से देखी जाएगी अच्छा अच्छा कल कलह कलह के लिए एक भाव और हो जाता है आपका आठवां भाव वो भी आपका भी आएगा वो भाव भी आपको देखना पड़ता है अगर वो भाव आपका सक्रिय है यानी वो भाव आपका एक्टिव है तो उस केस में भी मानसिक कलह होती है घर में मानसिक अशांति होती है घर में वो सब चीजें होती हैं लेकिन अगर आपका चौथा भाव मजबूत है तो आपके घर में मानसिक शांति रहेगी चौथा भाव कमजोर है तो मानसिक शांति की कमी होती ठीक है ना तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक या दो भाव से देखी जाती हैं तो वो अभी आगे आगे आते रहेंगे तो आपको मालूम चलता रहेगा पांचवा भाव हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है इसके बारे में श्लोक में सिर्फ इतना लिखा है यंत्र मंत्रो तथा विद्यम वे प्रबंधकम यानी यंत्र मंत्र विद्या बुद्धेश्चव विवेक और प्रबंधकम मैनेजरियल एबिलिटी ये आपका पांचवे भाव में बताया गया है जितने भी यंत्र मंत्र हैं विद्या है तो तो उनका मैनेजरियल एबिलिटी है यह आपकी पांचवे भाव में बताई गई है तो इसके अंदर पांचवे भाव में एक सबसे बड़ी चीज होती है मंत्री पद जैसे मे तपन ने कहा था कुछ फेम फेम से संबंधित चीज जैसे यहाँ पर भी आती है कि आपको किसी कंपनी मंत्री पद का मतलब यही नहीं कि आपको गृह मंत्री बना दिया या राज्य मंत्री बना दिया या कोई भी मंत्री बना दिया मंत्री पद का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आपको रिकोग्नेशन दी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं इफ यू आर वर्किंग इन ने प्राइवेट कंपनी तो कंपनी के सीईओ ने आपको रिकोग्नेशन दी कंपनी से आपको रिकोग्नेशन मिली कंपनी से आपको प्रमोशन मिला वो सारा हम पांचवे भाव से देखते हैं ज्ञान हम पांचवे भाव से देखते हैं कैसी उसकी विवेक है बुद्धि है ये पांचवे भाव से भी देखी जाती है जैसे हमने पहले नंबर भाव से भी कहा था कि बुद्धि देखते हैं ऐसे ही पांचवें नंबर भाव से भी बुद्धि विवेक को देखा जाता है अगर पांचवा भाव पीड़ित है तो बुद्धि विवेक की कमी हो जाती है उसके अंदर तो हायर एजुकेशन भी उसी भाव से देखी जाती है संतान ये हमें मालूम ही है क्योंकि संतान भाव तो शुरू में ही हमने कहा था कि संतान भाव जो है वो भी पांचवा भाव है अपनी संतान जो हम देखेंगे वो भी पांचवें भाव से देखेंगे कि संतान हमें प्रेम करेगी संतान हमसे नफरत करेगी संतान कैसी रहेगी हमारी कैसी नहीं रहेगी पढ़ाई लिखाई करेगी नहीं करेगी ठीक से आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी वो सब चीजें संतान के बारे में हम पांचवें भाव से ही देखते हैं अपने पिछले जन्म के कर्म वो भी पांचवें भाव से देखते हैं कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली अच्छी है सब कुछ बढ़िया है लेकिन उसके बाद भी घर में मन की बड़ी अशांति है तो उसके लिए पांचवा भाव जरूर चेक कीजिए कहीं आपके पुराने जन्म कर्म तो ऐसे नहीं है जिनका बदला आप भुगत रहे हो वो भी बहुत चीजें देखने वाली होती है तो पांचवें भाव का इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दू छोटी सी के लोग बिजनेसमैन बनते हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं बिजनेस मैन तो हमारे यहाँ एक छोटा सा बिजनेसमैन भी है जिसका टर्न ओवर करोड़ों का है करोड़ों का टर्न ओवर लगा सकते हैं कि चलो दस करोड़ का या बीस करोड़ का टर्न ओवर है उसका अपनी फैक्ट्री का एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी है जो कितने हजारों करोड़ का टर्न ओवर है उसका तो ये कैसे तो बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन व्यापार और बड़ा व्यापार बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस तो बिजनेस तो हम सेवंथ भाव से देखते हैं वो तो, तो अभी आपको बताऊंगा मैं आगे जो सेवंथ भाव में आएंगे बिजनेस देखते हैं लेकिन बड़ा बिजनेस होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होने चाहिए पांचवा भाव का स्ट्रांग होना चाहिए तो उसी बिजनेस को आप बहुत बड़े बिजनेस में चेंज कर सकते हो तो पांचवा भाव जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है जिससे आप अपने पिछले जन्म के कर्म का आइडिया लगा सकते हो कि पिछले जन्म कर्म आपके ठीक ठाक थे अच्छे नहीं थे या अच्छे थे प्रेम प्रसंग मनोरंजन और रोमांस का भाव भी यही वाला होता है लव अफेयर्स एंटरटेनमेंट ये सारे भाव भी यही होता है पांचवे भाव से ही देखा जाता है लव अफेयर्स वगैरह के बारे में भी सब इसी से देखते हैं कि लव अफेयर ब्रेकअप हो गया या कब ब्रेकअप हुआ या क्यों ब्रेकअप हुआ उसके रीजन क्या है ये भी इसी भाव से देखते हैं मैनेजरल एबिलिटी इसको भी इसी भाव से देखा जाता है कि आदमी की मैनेज करने की कैपेसिटी कैसी है वो भी हम पांचवे भाव से ही देखते हैं उसकी लीडरशिप कैसी है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी कैसी है कैसा सोशली रिस्पॉन्सिबल वो है या नहीं है वो सब भी हम पांचवें भाव से ही देखते हैं पांचवें भाव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी देखते हैं शेयर मार्केट शेयर मार्केट शेयर ट्रेडिंग गैम्लिंग लॉटरी ये सब पांचवे भाव से देखा जाता है कोई आदमी पूछता है कि जी मैं शेयर मार्केट में काम करूं नहीं करूं मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं तो वो सब चीजें हम लोगों को पांचवें भाव से देखनी पड़ती हैं वी हैव टू स्टडी हिज फिफ्थ भाव हिस्स फिफ्थ हाउस देन एंड देन ओनली कैन वी कैन से भाई ठीक है यू गो फॉर शेयर ट्रेडिंग यू गो फॉर गैम्लिंग यू गो फॉर लॉटरी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कला और संगीत का भाव भी ये होता है डांस वांस का, एक्टिंग का एक्टिंग का भाव भी पांचवा भाव होता है इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू का भाव ये होता है कि इंटरव्यू में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे या इंटरव्यू कैसा आपका रहेगा क्या रहेगा वो भाव भी पांचवे भाव से दिखा जाता है इंटरव्यू भी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन मैंने आपको बताया कि जो भी हायर एजुकेशन है वो भी आपके पांचवे भाव से देखी जाती है जो भी हायर एजुकेशन आपकी है एमएससी करें आप एम बी बी एस करें आप एमडी करें आप जो मर्जी करें वो सब हायर एजुकेशन जो है आपकी पांचवे भाव से ही देखी जाती है ट्वेल्थ के बाद की सारी एजुकेशन आपकी बुद्धिमता मैंने बताया कि विवेक वगैरह जो होता है आपका बुद्धि जो होती है वो भी हम पांचवे भाव से ही देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पांचवे भाव से देखते हैं जो मैं यहां लिखना भूल गया आप लोगों को बता देता हूं एंगेजमेंट सगाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार क्या होता है कि शादी के लिए सातवां भाव होता है देखिए मैं आपको बताता हूं अभी आएगा आगे तो आपको मालूम चल जाएगा शादी के लिए सातवां भाव होता है तो कई बार सातवां भाव बहुत अच्छा होता है किसी इंसान का तब भी उसकी शादी नहीं हो रही होती क्योंकि शादी से पहले एंगेजमेंट होनी है और एंगेजमेंट के लिए आपको पांचवे भाव पे नजर भी डालनी है अगर पांचवा भाव बहुत ज्यादा कमजोर है तो इंसान की कई इंसान बिना मतलब खाली चले जाते हैं बिना शादी के रह जाते हैं अगर पांचवा भाव बहुत कमजोर है आपके पास कोई बंदा आया ये साहब शादी नहीं हो रही बहुत टाइम हो गया चालीस साल की एज हो गई बयालीस साल की एज हो गई शादी नहीं हो रही है आपने देखा सातवां भाव उसका सेवंथ भाव उसका ठीक है सब कुछ है तो आपने कहा यार शादी तेरी होनी चाहिए शादी क्यों नहीं हो रही है भाव तो ठीक है फिर उसका पांचवे भाव पर नजर डाल लो आप कि पांचवा भाव उसका जो एंगेजमेंट का भाव है क्या वो भाव सही है या नहीं अगर उस भाव में प्रॉब्लम है तब हम कह सकते हैं कि हाँ भैया तेरा पांचवा भाव पीड़ित है तुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि पांचवा भाव तेरा अच्छा हो जाए कुछ पूजा करनी पड़ेगी उसके बाद तेरी एंगेजमेंट वगैरह होगी और तेरी शादी हो जाएगी क्या पूजा करनी पड़ेगी क्या चीजें करनी पड़ेगी इसके लिए मैं लग से एक शुरू करूंगा तो आप लोग उसको सीख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं छठा भाव पांचवे भाव तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं सर नहीं सर, नहीं सर। मैं थोड़ी स्पीड से तो नहीं जा रहा हूं ना तो ठीक है जी सर ठीक है सर हाँ जहां भी आपको लगे कि स्पीड से जा रहे हैं वहां बता दीजिएगा प्लीज क्योंकि ये भाव जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर हम क्वेश्चन जब हमारे पास आता है देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हमको दो चीज देखनी है कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे कोई भी इंसान कुंडली दिखाते हुए कि साहब मेरा ये क्वेश्चन है तो यू हैव टू थिंक ओनली टू थिंग्स नंबर वन दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू विच भावा एक तो ये आपको याद होना चाहिए एंड नंबर टू दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू विच ग्रह है अगर आपको यह मालूम है कि यह क्वेश्चन इस ग्रह से रिलेट करता है और ये क्वेश्चन इस भाव से रिलेट करता है तो कोई भी कुंडली ऐसी नहीं जिसको आप प्रिडिक कर दो जिसको आप एनालाइज ना कर सकते इसलिए भाइयों बहुत जरूरी है कि आप ये सब चीजें समझ लें कि छठे भाव से क्या देखते हैं तीसरे भाव से क्या देखते हैं चौथे भाव से क्या देखते हैं पांचवे से भाव से क्या देखते हैं छठे ये जब चीजें आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अभी मैं फिर आपसे यही पूछूंगा कि छठे भाव से चौथा भाव उससे क्या देखेंगे मतलब बहुत चीजें हैं देखने के लिए तो छठा भाव क्या हुआ बाधा का भाव हुआ जितनी भी मतलब आपके इसमें ट्रबल्स आती हैं, संघर्ष होता है वो सारी चीजें छठे भाव से देखते हैं कहता है श्लोक में कि मातुलांत काना शत्रुचैव व्रण दाना सपत्नी मातरम चापीन सवान यानी मातुल भाव यानी आपकी मामा का भाव भी है आपकी जो नानी मामा वाला भाव आपका है वो छठा भाव आपका है आप अपने मामा को देख सकते हैं छठे भाव से अपनी नानी वगैरह को जो है छठे भाव से आप देख सकते हैं तो छठे भाव से आपकी मैटरनल जो होती है ननिहाल होती है वो छठे भाव से आपकी देखी जाती है आपके रोग जितनी भी डिजीज होती हैं जितने भी आपके डेप्स होते हैं आपके जितने भी एनिमीज होते हैं शत्रु होते हैं वो सब छठे भाव से देखी जाती है रोग ऋण शत्रु चोट इत्यादि जो भी आपकी चोट वगैरह लगती है वो सब छठे भाव से देखी जाती है रिश्वत जो भी आप गलत काम करते हैं और रिश्वत देते हैं वो चीज भी छठे भाव से देखी जाती है आपके लिटिगेशन मुकदमेबाजी जितने टाइप के लिटिगेशन आपके हैं वो सारे छठे भाव से देखे जाते हैं आप मुकदमे में जीतेंगे या नहीं ये मुकदमा आपके ऊपर होगा या नहीं ये सब चीजें छठे भाव से ही आपको पता चलेगी आपकी इंटरनल पावर आपकी आंतरिक शक्ति ये भी छठे भाव से देखी जाती है आपका किराएदार भी छठे भाव से देखा जाता है कि मेरा मकान खाली करेगा नहीं करेगा मेरा किराएदार वो भी छठे भाव से देखा जाता है एक चीज इसमें मैं भूल गया वो भी मैं बता दू आपको कि बच्चा गोद लेना वो भी छठे भाव से देखा जाता है गोद लिया बच्चा जिसे कहते हैं कई बार कोई लोग कहते हैं कि, कि साहब बच्चा नहीं हो रहा है क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि साहब बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या हम गोद ले लें तो उसके लिए छठा भाव देखना जरूरी है अगर छठा भाव मजबूत है तो उस साहब कह सकते हैं कि आप गोद ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है पिता, पिता का छठा भाव सर माता का नहीं नहीं लगन से छठा भाव जो आपका है कुंडली में हाँ पिता सब चीज पिता की कुंडली में, हाँ, 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 में देखनी है आपने ठीक है माता की कुंडली में क्या देखनी है बताऊंगा आपको पिता की कुंडली में देखना है ठीक है सर ठीक है अच्छा तो आपने ये देखना है कि छठा भाव देखिए आप मेल कुंडली नंबर वन है माता की कुंडली में क्या है संतान के मामले में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मेल कुंडली में देखने हैं आप संतान के बारे में संतान होगी नहीं होगी स्वस्थ होगी या नहीं होगी कहना मानेगी नहीं मानेगी वो सब कुछ मेल कुंडली में देखना है आपने कुंडली कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है को सिजेरियन संतान होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी ये चीज हम केवल लेडी कुंडली देखते हैं फीमेल कुंडली से राइट सर ठीक है तो इसी प्रकार से छठे भाव से गोद लिया बच्चा भी देखते हैं तो अगर छठा भाव मजबूत है तो आप किसी को बोल सकते हैं कि ठीक है भाई आप बच्चा गोद ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ अच्छा रहेगा और छठा भाव मजबूत नहीं है तो उसे कहिए भैया गोद लिया बच्चा भी आपको सुख नहीं दे पाएगा थोड़ा प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी तो ये बाधा तो आपको बताया आपकी जो हर्डल है वो आपकी छठे भाव से देखते हैं आपको जो रोग है डिसीज है वो छठे भाव से देखते हैं आपका जो डेप्थ है वो छठे भाव से देखा जाता है आपके जो शत्रु हैं एनिमी हैं वो छठे भाव से दिखे जाते हैं मुकदमे बाजी जितने भी लिटिगेशन वगैरह है वो छठे भाव से दिखे जाते हैं रिश्वत वो भी छठे भाव से दिखाया जाता है मामा मामा के यहाँ फोटो गलत लग गया है थोड़ा शकुनी का <laughs> शकुनी टाइप के मामा जो है वही छठे देखते हैं मामा कोई भी हो अच्छे मामा जी ला। जी, भी मामा। हाँ, हाँ, जी का 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 भी लगा लो लो किसी का लो। <laughs> लेकिन मतलब आपको ये नहीं सोच रहा कि शकुनी टाइप मामा देखते हैं से अच्छे मामा, तो मामा दोनों, ही में हाँ, दोनों में कलाकार. <laughs> 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 तो ये भी, एक कलाकार थे आंतरिक शक्ति इंसान की जो इंटरनल पावर है वो छठे भाव से देखते हैं प्रतिस्पर्धा कंपटीशन छठे भाव से देखते है आप कंपटीशन दे रहे हैं कई लोग पूछते हैं कि भाई सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा हूं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उसके लिए छठा भाव देखना भी बहुत जरूरी है आपके किरादार का भाव छठा भाव।, भाव, भाव है तो छठा भाव आप लोग समझ गए सारा सर कंपनी कम्प, में प्रमोशन का भाव भी छठा भाव से देखा जाएगा प्रमोशन अलग है अभी के वो आगे, आगे प्रमोशन आएगा प्रमोशन का एग्जाम अच्छा हाँ, वो, वो आगे आएगा वो आगे आएगा छठा भाव आपका आपके रोग हैं आपका ऋण है आपके शत्रु है आपके ऋण ज्यादा है आपके लोन ज्यादा है या आप लोन लेते हैं आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब चीजें आपके छठे भाव से के लिए आपके शत्रु कितने हैं आपकी आपको चोट फेंड लग रही है वो कैसे लग रही है आपकी इंटरनल पावर कैसी है आप कंपटीशन में पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो चीज छठे भाव से देखी जाती है आप बच्चा गोल देना चाहते हैं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा वो छठे भाव से देखा जाता है इस तरह की बातें छठे भाव से जाती है ठीक है जहां तक सबको सही है मैं आ, हाँ जरा आप लोग जरा छठे भाव तक क्लियर कर लीजिए मैं दो मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ दो मिनट में मैं आपके पास आता हूँ तो ये हमारा छठा भाव हो गया इसके बाद हम चलते हैं सातवें भाव की ओर लगता है छठे भाव से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है कंप्यूटर हाँ सेवंथ भाव सेवंथ भाव से हम देखते हैं जाया मधुप्रयाणम प्रयाणम चय वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम चेहरे जाया भाव ने निरीक्षित ये क्या बोलते हैं के जाया जाया मीन्स जीवन साथी बोलते हैं जाया जीवन साथी को इसी भाव से देखा जाता है आप यूं समझिए कि हर भाव का थोड़ा सा मैं आपको अभी आ, आ, आज सातवें भाव तक ही बताता हूं तो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कुछ चीजें क्योंकि एकदम इतने ज्यादा ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी सातवां भाव जो है वो आपका जीवन साथी का भाव होता है सातवां भाव आपके विवाह का भाव होता है विवाह होगा नहीं होगा होगा तो देर से होगा या जल्दी होगा ये सारी चीजें हमारी सातवें भाव से देखी जाती हैं हमारा व्यापार सातवें भाव से देखा जाता है जो हम व्यापार करते हैं बिजनेस करते हैं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा कहाँ प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है वो सारी सातवें भाव से साझेदारी किसी से पार्टनरशिप हम लोग करते हैं वो भी हमारी सातवें भाव से देखी जाती है कि हमारा पार्टनर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा क्या हमको उसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो भी दिख जाती है वैवाहिक संबंध हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपस में लड़ाई झगड़े होंगे आपस में प्रेम रहेगा कैसा रहेगा ये भी सातवें भाव से देखा जाता है अगर सापवा भाव पीड़ित हो तो जाहिर सी बात है कि मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होती है पहले तो शादी होने में प्रॉब्लम हुई शादी हो भी गई तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हुई तलाक डाइवोर्स का भी सातवें भाव से देखा जाता है कि डायवोर्स होगा या नहीं होगा लंबी यात्रा विदेश यात्राएं भी सातवें भाव से देखी जाती है तो जो विदेश यात्रा हैं उनको भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं ये सब चीजें सेवन्थ हाउस से हम लोग देखते हैं विवाह इसके बारे में आपको मालूम ही है इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जीवन साथी वो भी आप सातवें भाव से देखते हैं आपकी साझेदारी पार्टनरशिप जो है आपका बिजनेस व्यापार आपका वैवाहिक संबंध कैसा है आपका डायवोर्स के बारे में आपकी जो लंबी यात्राएं हैं वो सारी हम सातवें भाव से देखते हैं अब इसमें एक चीज आप लगाइए देखिए एक चीज में आपसे थोड़ा सा मैं बताना यहां चाह रहा हूं कि बीच बीच में आपको यह भी ध्यान रखना है कि सात भाव का मैंने आपको आज बताया पहले से लेके सात भाव का सातवें भाव को छठा भाव के बारे में मैंने आपको बताया छठा भाव क्या भाव था हमारा रोग ऋण शत्रु वाला भाव था रोग ऋण शत्रु है ना यानी संघर्ष का भाव था जो भी संघर्ष हमारी लाइफ में होते हैं वो छठे भाव से हम देखते हैं कि छठा भाव हमारा संघर्ष का भाव होता है रोग भी है ऋण भी है शत्रु भी है कंपटीशन पास करना भी है सारा जो है छठ छठे भाव से होता है तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल लगा के चलना चाहिए कि जिस तरह छठा भाव हमारा संघर्ष का भाव है इसी तरीके से हर भाव से उसका छठा भाव उसके संघर्ष का भाव है क्लियर हुआ, जी yes, सर, जैसे किसी लगन से छठा भाव संघर्ष का भाव है अब हम ये कह रहे हैं कि लगन से छठा भाव संघर्ष का भाव है ठीक है जी बिल्कुल सही बात है लगन से छठा भाव संघर्ष का भाव है लेकिन चौथे भाव से छठा भाव चौथा भाव किस चीज का होता है मा का होता है अगर कोई आपसे कहे जी मा का संघर्ष बताओ क्या है तो चौथे भाव से छठा भाव देखेंगे आप रोग शत्रु बताओ आप तो चौथे भाव से छठा भाव देखेंगे आप समझे आप नाइन्थ हाउस नाइन्थ हाउस तो मैं आपसे वही बता रहा था कि इन बारह भाव में दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो नाम के अंदर दी है देखिए हर भाव से दूसरा भाव उसका धन भाव होता है हर भाव से तीसरा भाव उसका पराक्रम भाव होता है हर भाव से चौथा भाव उसका सुख भाव होता है हर भाव से अगर आपको संतान का सुख देखना है तो पांचवे भाव से चौथा भाव देखिए कौन सा हुआ तो संतान का सुख मिल जाएगा क्योंकि पांचवा भाव हुआ संतान का और संतान का सुख हुआ पांचवे से चौथा हम नॉर्मली सातवें भाव से क्या देखते हैं छठे भाव से क्या देखते हैं पांचवे से क्या देखते हैं चौथे से क्या देखते हैं इस चक्कर में अटक जाते हैं लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं करते कि किस भाव से दूसरा भाव देखना है ये देखना अगर हम सीख गए तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको बारे में आप ना बता सकते अब जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ पहले भाव से आई ये बहुत जरूरी है आ, मैं लास्ट कोर्सेज में ये नहीं करा पाता था लेकिन मुझे बाद में फील हुआ कि यह चीज करानी बहुत जरूरी है अब जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं आपका जो करेज है आपका जो पराक्रम है वो किस भाव से देखते हैं तपन हेलो हाँ तपन बताओ आपका जो करेज है आपकी जो हिम्मत है आपका जो पराक्रम है वो किस भाव से देखते हैं पराक्रम आपका जो है 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 वो थर्ड भाव है। थर्ड भाव भाव बिल्कुल सही कहा आपने थर्ड भाव से आप अपने छोटे भाई बहन को भी देखते हैं हाँ जी तो छोटे भाई का पराक्रम देखना हो तो कौन सा भाव देखेंगे आप थर्ड से छोटा छोटे भाई का पराक्रम देखना हो तो देखो हमारा वाला जो पराक्रम है अगर हम देखेंगे वो तीसरे भाव से है राइट तो अगर छोटे भाई का हम देखेंगे तो वहां से तीसरा भाव वेरी गुड वेरी गुड यही मैं बोल रहा हूँ आपसे ठीक है मैं आपको यही, यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज समझ गए तो आ? समझो कि सब कुछ समझ गए हाँ जी हाँ जी ठीक है अच्छा अब जैसे एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो कहने का मतलब ये है कि हर भाव से दूसरा भाव क्योंकि दूसरा भाव देखिए लगन से जो भाव जो दिया हुआ है वही हर भाव से होता है हर भाव से दूसरा भाव उसका धन भाव होता है हर भाव से तीसरा भाव उसका पराक्रम भाव होता है।, है हर भाव से चौथा भाव उसका सुख भाव होता है हर पांच हर भाव से पांचवा भाव उसका बुद्धि विवेक का भाव होता है हर भाव से छठा भाव उसका संघर्ष होता है हर भाव से सातवां भाव उसका भोग का भाव होता है सातवा भाव जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप का है पत्नी का है सबका है तो किसी भी भाव का भो, भोग आपने देखना है कि मैं कैसा इसका भोग कर पाऊंगा तो उससे सातवा भाव देख लीजिए <स्था> सुख भाव हर भाव का सुख भाव जो होता है सुख भाव <स्था> चौथा भाव, भाव, भाव होता है तो हर सुख उससे देखना है आपको तो देखना है ठीक <स्था> है लगन से चौथा ये बताएगा कि बाता का सुख आपके लिए कैसा है लगन से चौथा भाव आपको यह बताएगा कि माता का सुख आपके लिए कैसा है लेकिन माता का सुख माता कैसी का सुख कैसा है वो कौन बताएगा माता से चौथा भाव हाँ बिल्कुल ठीक है ना तो लगन से चौथे ने आपको ये बताया कि आपके लिए माता का सुख कैसा है पर माता के लिए माता का सुख कैसा है वो उसका चौथा भाव बताएगा

तो अभी हम पढ़ाएंगे आगे वैसे मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको कि प्रोफेशन का भाव जो होता है वो दसवां भाव होता है ग्यारहवा mm -hmm. भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है तो हर भाव का ग्यारहवा भाव उसका लाभ भाव होता है हर भाव का ग्यारहवा भाव उसका लाभ है प्रमोशन क्या है प्रमोशन प्रोफेशन का लाभ है प्रोफेशन भाव है उसका ग्यार भाव देखिए आपको मालूम चल जाएगा अगर भाव अच्छा है तो प्रमोशन हो जाएगा जब ये नेक्स्ट संडे क्लास पढ़ेंगे दसवां ग्यारहवा बारहवा भाव आप पढ़ेंगे मैं भाव पे बहुत इंपॉर्टेंट दे, चीज देना चाहता हूं बहुत वो क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज आपकी अगर मजबूत हो गई फिर आपने माथ नहीं खानी फिर तो कुंडली जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप बताते चले जाएंगे कि ये चीज इस भाव से ये चीज इस भाव से सर इसको एक बार कुंडली में दिखा के बता देंगे क्या कुंडली में क्या चीज देखनी है बताओ यही जैसे भाव से भाव जो आप बता रहे थे तो इसको एक बार कुंडली में बता दीजिए थोड़ा कुंडली में जी एक सेकंड में देखता हूँ अभी तो सिर्फ मैंने कुंडली कुंडली लगाई नहीं है ना पर फिर भी मैं लगाता हूँ एक सेकंड सर तो आप एक स्केच से दिखा दीजिए कुंडली एक बना के बनाचल कुंडली नहीं मैं स्केच से दिखा दूंगा थोड़ा सा हुआ कि आज भाई चांस ना वो मैं वो मेरे पास वो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वो अगले बार लगा लूंगा तो आपको स्केच से वो दिखाता हाँ, भी रहूंगा नहीं वही ठीक रहेगा फिर आप पूरे भाव पड़ा सारे भाव हो जाएंगे ना उसके बाद लगा दीजिएगा हाँ तो उसके बाद उससे मैं आपको बता दूंगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छा खैर चलिए हमारा ये तो हुआ और जो हम लोगों ने पढ़ा के मंत्री पद मंत्री पद मीन्स के आपको रिकोगशन मिलना मंत्री पद का मतलब हुआ रिकोगशन मिलना वो किस भाव से देखते हैं फिफ्थ भाव से कि आपको रिकॉग्निशन कैसी मिल रही है कैसी नहीं मिल रही है वो आपके फिफ्थ भाव से रिकॉग्निशन आपकी देखी जाती है तो बहुत सही है आप लोग सही बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं तो आदमी के रिकॉग्निशन जो है वो आपकी पांचवें भाव से भी देखी जाती है आपके लव अफेयर किस भाव से देखते हैं अरुण जी सर पांचवे से वेरी गुड जितने भी प्रकार के प्रेम प्रसंग हैं वो सारे आप पांचवे भाव से देखोगे आप छठे भाव से आपका बता दिया कि रोग वगैरह आपका देख लिया आपने सब चीज देख ली मामा को भी छठे भाव से आप देख लगेंगे। देखने अब मान लिया मामा के मामा को देखना है आपने तब कैसे करोगे सर उनसे आगे छठे भाव को देखेंगे सर वेरी नाइस nice. सर प्राइस समझ आया जी सर आपका मैटर्नल अंकल है अगर वो छठे भाव में दिख रहे हैं तो उनके भी मैटर्नल अंकल अगर आपने देखे हैं तो छठे से छठा चलो आ जी सर तो से आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो ऐसे ही चीजों को आपको देखना है बस इस तरह चीजों को अगर आप रिलेट करते रहोगे तो प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं होगी चलिए सातवां भाव हम लोग और पढ़ लेते हैं सातवां भाव तो हमने पढ़ लिया था खैर आठवां भाव हम लोग पढ़ लेते हैं सातवां भाव जीवन साथी का भाव है विवाह का भाव है व्यापार का भाव है पार्टनरशिप का भाव है वैवाहिक संबंध का भाव है तलाक का भाव है लंबी यात्राएं जो विदेश यात्राएं होती हैं वो भी सातवें भाव से हम लोग देखते हैं विदेश यात्राएं तीन भावों से हम लोग देखते हैं सातवें भाव से नवे भाव से दो भावों से और तीसरा भाव जो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो बारवा भाव, भाव भी इन्वॉल्व हो जाता है विदेश यात्राएं अष्टम भाव हमारा जो आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो अरुण शर्मा जी ने पूछा था कि कल है कहां से आती है तो जितने प्रकार की कलह है मतलब छठा भाव आठवां भाव जो है वो मरा है आयुम ऋणम रिपुम चापी दुर्गम रतधनम तथा गत्य नुकादिगम सर्वम पश्चिद्रा दिस सकते हैं ये कहते हैं कि जितने भी प्रकार के अपमान है जितने प्रकार के कलह है, पीड़ा है वो सारी हम आठवें भाव से देखते हैं पैतृक संपत्ति हम आठवें भाव से देखते हैं कि पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी या मिलेगी तो किसको मिलेगी ये भी हम आठवें भाव से देखते हैं गड़ा खजाना मिल जाना अचानक लाभ हानि होना अचानक कोई भी चीज आपके जीवन में होती है तो वो आपकी आठवें भाव से होती है ये आठवां भाव आपका है इससे अचानक लाभ हानि आपकी देखी जाती है सडनली सडन कोई भी चीज होती है आपकी लाइफ में सडन प्रॉफिट है सडन लॉस है वो आपका आठवा भाव बताता है आपको सडन प्रॉफिट होगा या सडन लॉस होगा तो कैसे होगा वो हम लोग स्टडी करेंगे इस चीज को लेकिन ये सब चीजें जो भी चीज सडन होती है आठवें भाव से होती है नंबर चीज जितनी प्रकार की भी आपकी ऑकर्ड साइंस होती है गुप्त विज्ञान जो होता है जिससे पहले गुप्त लग गया वो सारा आठवें भाव से होता तो जो प्रकार की भी ऑकल्ट साइंस है वो सारी आठवें भाव से होती है समुद्री यात्रा आपके या, 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 आठवेंट कर लीजिए या, 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 यात्रा भी या, से देखी जाती है। लेकिन यहां की विदेश यात्रा में सा एक है कि खाड़ी देशों की यात्रा का नहीं होता है जो आपके ये इराक है सऊदी अरब है ये सब चीजें हैं मतलब आ, आपके किसी जाने वाले की नौकरी सऊदी अरब में लगेगी या दुबई में लगेगी या कहा लगेगी उसके लिए आठवां भाव देख सकते हैं और जो सातवां भाव है नवा भाव है या आपका बारवा भाव है वो विदेश का जो होता है वो फॉरन का वो यूरोपियन कंट्रीज या आपके जितने भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूके यूएस इन सब के लिए हो जाता है तो पहले समुद्र पार यात्राएं होती थी समुद्र से यात्राएं होती थी तो वो आठवें भाव से देखी जाती थी जितने प्रकार के आविष्कार होते हैं इन्वेंशन होती है वो आठवें भाव से होती है रिसर्च चाहे वो, वो आर्थमिडीज हो आर्थम का आठवा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा न्यूटन का आठवा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो जितने प्रकार के ये आपके इन्वेंशन होती हैं वो सारी आठवें भाव से होती हैं मृत्यु को भी हम आठवें भाव से देखते हैं आयु को हम आठवें भाव से देखते हैं कितनी आयु होगी कब मृत्यु होगी ये भी आठवें भाव से देखी जाती है वैज्ञानिक अभिष्कार ये मैंने आपको आप बताया अब जैसे इसके अंदर हम थोड़ा वन बाई वन ले लेते ले हैं अपमान किसी का अपमान होगा या नहीं होगा होगा तो कैसे होगा कब होगा ये सारा आठवें भाव से देखा जाता है उसकी मृत्यु के बारे में एंड पीस के बारे में भी आठवें भाव से लिखा जाता है उसकी पैतृक संपत्ति पैतृक संपत्ति जो संपत्ति पैतृक संपत्ति कौन सी हुई स्थाई संपत्ति आ... पिता की संपत्ति पिता की संपत्ति एक संपत्ति तो वो है जो आपकी संपत्ति है जो आपके आपके चौथे भाव से देखेंगे तो आपके दूसरे भाव से देखेंगे सॉरी ठीक है ना आपका धन जो है वो तो आपके द्वारा कमाया हुआ धन आठवें भाव से आपके पिता के द्वारा कमाया कमायावन तो पैथक संपत्ति आपकी जो पूर्वजों की चली आ रही है वो संपत्ति जो है आपकी आठवें भाव से देखी जाती है पैथक संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी पैथक संपत्ति का केस चल रहा है आपको मिलेगा यानी कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसके लिए आपको आठवां भाव देखना भी बहुत जरूरी है जब आगे हम कुंडली एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर ये सब चीज पड़ेंगे आपकी ससुराल भी आठवें भाव से देखी जाती है अब जब जो 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 लोग ससुराल से परेशान हो वो आठवा भाग कर ले अपना और जो लोग खुश है वो भी आठवा भाव एक बार देख लें अपना तो ससुराल भी आपकी आठवें भाव से ही देखी जाती है अनजाने में धन मिलना अचानक कहते हैं ना गड़ा खजाना मिल जाता है किसी किसी को कभी कभी वो भी आठवें भाव से देखा जाता है सडन प्रॉफिट सडन लॉस ये सब चीजें आठवें भाव से देखी जाती है अचानक से देखते हैं कि एक आदमी को कुछ नहीं था और उसके पास एकदम इतना पैसा आ गया कि वो कितना अमीर बन गया वो सारा लग आठवा बिल्कुल 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 हर तरह की इन्वेंशन वैज्ञानिक आविष्कार जितने भी हैं वो सारे आठवें भाव से देखे जाते हैं जितनी तरह की गुप्त विज्ञान है साइंस है वो सारी आठवें भाव से देखी जाती है पीड़ा आपकी जो भी पीड़ा आपको हो रही है एक्सीलेंट है आपके वो सब आठवें भाव से देखे जाते हैं आपकी समुद्री यात्रा है वो आठें भाव से देखी जाती है आपकी घर में कलह रह रही है बहुत ज्यादा आपस में झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा तो वो भी आपके आठवें भाव से ही देखे जाते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर भाव का पीड़ा का भाव उसका आठवां भाव हो गया हर भाव का पीड़ा का भाव उसका अगर हम इसको एक शब्द में बोले तो हम कह सकते हैं कलह है पीड़ा वाला भाव है तो हर भाव की कलह पीड़ा उस भाव से आठवां भाव देख दो लगन से आठवां आपके घर में कलह पीड़ा लगन से आठवां जो हुआ वो तो आपकी कलह पीड़ा हो गई और किसी भाव से रिलेटेड कलह पीड़ा आपने देखनी हो तो वो उस भाव से आठवां भाव देते। समझ आया ये वाला नहीं सर जी सर आठवें से आठवा अगर देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे सर ससुराल तो का जो ससुराल देख सकते हैं हाँ जी अब जैसे आ, कोई एग्जांपल लीजिए आपके घर में जो कलह है सर आठवें से आठवा तो पराक्रम भाव आएगा लग्न पुण्य हाँ तो उसको भी आपको देखना है ना तो ससुराल से कलह का आ जाएगा हाँ देखिए किसी भी भाव की किसी भी भाव का पीड़ा भाव जो होता है तो उस भाव से संबंधित पीड़ा जो होती है वो उसके आठवें भाव से देखी जाती है लगन से संबंधित पीड़ा लगन कौन है लगन तो आप हो गए स्वयं हो गए सेल्फ हो, हो, हो गए तो आपसे संबंधित पीड़ा आपके आठवें भाव से देख रहे हैं तो किसी भी भाव से संबंधित पीड़ा जो है या उस भाव में जो जीवित व्यक्ति दिखाई दिखाई पड़ता है उससे संबंधित पीड़ा जो है वो उससे आठवें भाव से तीसरा भाई बहन तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहनों का भाव है तो उनको जो कल उनकी जो कलह पीड़ा हुई छोटे भाई बहनों में वो कौन से भाव से होगी वो तीसरे से आठवें भाव से समझ आया दशम स्थान छोटे भाई बहनों की पीड़ा मतलब दशम स्थान से दशम स्थान उसका आठवा लगाओ तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी भाव का धन भाव दूसरा है किसी भी का भाव का पराक्रम भाव तीसरा भाव होता है किसी भी भाव का सुख भाव चौथा भाव होता है किसी भी भाव के विवेक भाव के लिए चलना हो तो पांचवा चलो किसी भाव के संघर्ष के लिए चलना हो तो वहां से छठा चलो किसी भाव के भोग के लिए चलना हो तो सातवां चलो किसी भाव के कलह के लिए चलना हो तीन के लिए चल रहा हो तो वहां से आठवां भाव चलो ठीक है ठीक है सर हाँ ऋतु समझ में आ रहा है सब मतलब जैसे छोटे भाई बहनों की अगर कोई पीड़ा है कला है तो वहां से आठवा भाव देख बिल्कुल छोटे बिल्कुल. भाई बहन और आपके बीच में कोई कलह है वो तो आपने देख लिया आठवें भाव से लेकिन छोटे भाई बहनों के कलह के बारे में आप देख रहे हो तो वहां तीसरे से आठवें भाव से देखेंगे तो तीसरे से यानी दसम स्थान हाँ देखिए लगन से जो भाव है वो आपके लिए है लगन से सुख भाव चौथा भाव वो आपके लिए है चौथा आपका सुख है लगन से चौथा आपकी माता का सुख है आपके लिए माता का सुख कैसा है बस माता का सुख माता के लिए कैसा है वो चौथे चौथे तरह जाए तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब वो चीज आप ध्यान में रखोगे तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपने सही देखा है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तब आपको लगेगा कि हां इसमें कर सकते हैं तो एक भाव हम और पढ़ लेते हैं अभी टाइम है थोड़ा सा तो नाइन्थ भाव को भी हम देख लेते हैं उससे भी आइडिया लग जाएगा भाग्य भाव नवे भाव को बोलते हैं हम लोग भाग्य भाव तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाग्य का किसी भी भाव का भाग्य भाव जो होता है वो नवा भाव होता है भाग्य भाव नवे भाव से क्या कहे देखते, है? देखते हैं नवे भाव से हम लोग देखते हैं इंसान का भाग्य गुड लक आप बिजनेस करने जा रहे हैं आपसे कोई पूछता है जी मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरी कुंडली देख के जरा बताइए तो सातवां भाव तो आपने उसका देखना ही है सातवा भाव उसका अच्छा होना चाहिए क्योंकि सातवां भाव बिजनेस का भाव भाव है है साथ साथ में उसका नवा भाव उसका नवा भी देखिए क्या भाग्य उसके साथ है या नहीं अगर नवा भाव पीड़ित है तो बिजनेस करना भी चाहेगा बेचारा तो बिजनेस में नुकसान होगा उससे तो कभी भी किसी भी एक ही चीज का आंसर सिर्फ एक ही भाव से मत लगाइए आप हो सकता है कि आपको उस चीज का आंसर आपको दो भाव या तीन भाव को मिला के करना पड़े आप देखिए कि उस क्वेश्चन को करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस को करने में क्या क्या चीजों की ज़रूरत पड़ती है? जरा बताइए आज भी कोई बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक या क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है नंबर वन पराक्रमी होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है तो पराकृतिक होना, तो होना चाहिए कर रहा है, तो मजबूत होना चाहिए तो सातवा भाव भी मजबूत होना चाहिए और बिजनेस में भाग्य का रोल बहुत प्ले करता है तो भाग्य भाव भी मजबूत होना चाहिए तो तीसरा सातवा नवा भाव जब आप चेक कर लेंगे तब कहेंगे भाई यू विल बी ए सक्सेसफुल सर पांचवा भाव को भी तो चेक कर सकते हैं स्किल के लिए चेक कर सकते हो बुद्धि विवेक का भाव है उसको भी चेक कर सकते हो बिल्कुल तो ये इस तरीके से आप जितने भावों को बीच में लगा के देखेंगे उतना ही आप निश्चित रूप से पहुंचेंगे कि हाँ यार ये तो मतलब बहुत बढ़िया है इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है हम ये नहीं दिखाली बिजनेस मैन के लिए आपके पास कोई आ गया जी बिजनेस खोलना चाहता हूँ और आपने सातवा भाव देखा और बोल दिया जा बेटे बिजनेस खोल ले उसका वो नवा भाव भी देख लो भैया कि भाग्य कैसा है उसका भाग्य उसका ऐसा तो नहीं कि भाग्य भाव का स्वामी अष्ट में आके बैठ गया हो या भाग्य भाव बहुत कमजोर हो तो बिजनेस करेगा तो उसमें बेचारे को फायदा नहीं होगा तो वो भी देखना है तो भाग्य का भाव जो होता है नवा भाव होता है धर्म का भाव जो भाव होता है नवा भाव होता है धर्म भाव जिससे आप धर्म देखते हैं कि आदमी धार्मिक है या नहीं है पिता का भाव नवा भाव होता है पिता के भाव में एक दो शास्त्रों में थोड़ा मताभेद है कुछ ने दस भाव बोला है लेकिन नवा भाव ही दिया जाता है दसवा भाव नहीं पिता का भाव नवा भाव होता है नेतृत्व नेतृत्व करना मीन्स बिल्कुल तो वो वाला भाव भी हमारा नवा भाव होता है विदेश यात्रा का भाव भी हमारा नवा भाव होता है आदमी विदेश में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो हम वो सब चीजें देखते, देखते हैं बलिदान से, हैं जी नवम भाव से हायर एजुकेशन भी देखते हैं सर नहीं हायर एजुकेशन नहीं मैं बताता हूँ कौन सी एजुकेशन बताता हूँ आपको किसी भी प्रकार की हायर एजुकेशन देखनी है पांचवे भाव से ही नवे भाव से आपने वो एजुकेशन देखनी है जो जिसमें स्पेशलिस्ट वाली या जिसमें आपको अपना मतलब कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा आपको अपना पैसा खर्च नहीं करना जैसे तो कर हाँ जैसे प्रोफेशनल आप प्रोफेशनल में रहते हैं तो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग को स्पॉन्सर करती है कि आप मोटिवेशनल ट्रेनिंग पे चले जाइए या आप स्टडी पे चले जाइए That is, we have to see from nine आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी कर रहे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं ठीक है स्कॉलरशिप आपको कुछ ना कुछ मिल रही होती है तो आप आपका नवा भाव से पीएचडी भी देख लेते हैं आपके आपने एम किया आपने एम किया वो सब पांचवे भाव से है लेकिन जब आप उसके अंदर भी पीएचडी कर रहे हैं डीएम कर रहे हैं specialization, specialization कर रहे हैं, तो आपका नवा भाव जिसमें आपको पैसा मिलेगा आपको पैसा खर्च नहीं करना क्योंकि डीएम करते हुए पैसा आपको मिल रहा होता है तो वो ध्यान देना है खाली और विदेश यात्रा कंसल्टेंसी का भाव नवा भाव होता है कि कंसल्टेंसी शुरू करूं या नहीं करूं कंसल्टेंसी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या मुझे कंसल्टेंसी मेरे लिए सूट करेगा नहीं करेगा नवा भाव देखा जाता है उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए हमारी सेक्रीफाइसेस के लिए हमारे दान के लिए हमारे ड्रीम्स के लिए हमारी लंबी यात्राओं के लिए हमारी विदेश यात्राओं के लिए ये सब के लिए नवा भाव हम लोग देखते हैं धर्म के लिए पिता के लिए हम नवम भाव देखते हैं शिक्षा मैंने जो आपको बताई वो वाली शिक्षा जो अपने पैसों से खर्च नहीं की जाए वो शिक्षा था मंदिर जितने भी हैं वो दवे भाव से देखते हैं घोड़ा अभिषेक ये सब नवे भाव से देखते हैं तो दसम भाव आ जाता है तो नवे भाव से हम लोग यहां तक हम नवम तक रखते हैं इसके आगे हम लोग दसम भाव से नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा आप ये लोग आप इस चीज को डर ढंग से पढ़कर आइए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और दो चार क्वेश्चन आपस में करेंगे कि इसका सुख कौन सा हुआ इसका संघर्ष कौन सा हुआ इसका ये कौन सा हुआ इसका भोग कौन सा हुआ अब जैसे छोटा भाई बहन हम देखते हैं तीसरे भाव से ठीक है तो अरुण जी आप ये बताइए रितु जी आप ये बताइए रितु जी आप बताइए कि छोटा भाई बहन तो हमने तीसरे भाव से देखा छोटे भाई चोटे भाई छोटे की पत्नी कहां से देखे हम? कहा तीसरे से सातवा भाव सर हाँ, तीसरे से सात वेरी गुड तो तीसरे सातवें से हम छोटे भाई की पत्नी देखे तो आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं इस तरीके से ही आप लोग इनको याद कीजिए सर, सर एक क्वेश्चन

कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर लीजिए तो हाँ कल्पना जी कुछ बोल रही थी आप म्यूट कर लीजिए म्यूट कर लीजिए जो बोल रहे हैं उसको बस वो केवल अनम्यूट करके बोलिए बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए कल्पना जी कुछ बोल रही थी आप अतुल जी कोई क्वेश्चन आपका सर जैसे तो मामा के अगर कलह देखना है तो छठा भाव अपन खुद हो गए छठा भाव तो आपका मामा हो गया ठीक है मामा, आगर मामा आगर से अब अगर मामा से कलह का है तो मतलब छठे ज़ा, से छठा भाव मतलब छठे नहीं कलह भाव कौन सा होता है कलह भाव का आठवा हो गया हाँ कलह कलह जो है वो आपका किसी भी भाव की कलह जो होती है या किसी भाव की जो पीड़ा होती है वो आठवा भाव है किसी भाव का संघर्ष जो होता है वो उसका छठा भाव अच्छा। मामा की पीड़ा मामा ही कलह आपने देखनी है तो आठवां भाव देखिए मामा मामा वाले भाव से छठे भाव से आठवां देखिए छठे भाव से आठवां भाव आने हाँ भाव आ जाएगा लग्न भाव आ जाएगा तो इस तरीके से आप घुमा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो आज यहां तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे तो आपको ठीक रहेगा आज यहां तक रखते हैं नमस्कार जय श्री कृष्ण नमस्कार नमस्कार जय श्री कृष्ण